टाटा मोटर्स के शेयर्स को लेकर करंटली मार्केट में बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं, क्योंकि टाटा मोटर्स के शेयर्स लगातार 52 वीक हाई के लेवल को टच करते जा रहे हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे स्टॉक्स में देखा गया है कि जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक 52 वीक हाई के लेवल को टच करता है तब यहाँ पर स्लाइटली करेक्शन आता है उस कंपनी के शेयर में और फिर उस कंपनी के शेयर्स के वैल्यूएशन में गिरावट आती है, कंपनी के शेयर प्राइस गिरने लगती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को लॉसेस होते हैं। और अगर आप लोग टाटा मोटर्स को देखेंगे तो टाटा मोटर्स के शेयर्स भी इसी तरीके से परफॉर्म करते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार टाटा मोटर्स के शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को 52 वीक हाई के लेवल पर लेकर जा रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दे रहे हैं। लेकिन इस कंपनी के शेयर के 52 वीक हाई के लेवल को टच करने के पीछे का रीजन क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों ग्रो करते जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो रेफरेंस के लिए आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आपको टाटा मोटर्स के शेयर्स को लेकर क्या करना है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस 52 वीक हाई के लेवल तक क्यों जा रही है। तो अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो 3 से 4 दिन पहले टाटा मोटर्स के डीमर्जर की खबर मार्केट में आई है और टाटा मोटर्स के डीमर्जर की खबर आने के बाद लोगों को पता चला कि लोगों को टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद एक के बदले में एक और शेयर एडिशन मिलेगा जहां पर लॉन्ग टर्म में उन्हें इस चीज का बेनिफिट हो सकता है। तो इसी की वजह से टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस लगातार ग्रो करते जा रही है और लास्ट 3 डेज में टाटा मोटर्स के शेयर्स ने जो 52 वीक हाई के लेवल को टच किया है उसके पीछे का रीजन यही है। अब टाटा मोटर्स के बिजनेस का डिमर्ज होने का मतलब यह है कि टाटा मोटर्स अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में से कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को अलग करने वाला है और पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस को अलग करने वाला है। अब इसके पीछे का रीजन यह है कि टाटा मोटर्स को एक साथ दोनों बिजनेस को मैनेज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है, रिसोर्सेस में क्रंचेस फील करने पड़ते हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब टाटा मोटर्स के डिमर्जर होने के बाद से टाटा मोटर्स के शेयर्स मार्केट में दो होंगे, कमर्शियल व्हीकल वाला अलग होगा और पैसेंजर व्हीकल वाला शेयर अलग होगा। तो करंटली मार्केट में टाटा मोटर्स के सिर्फ एक शेयर है और मार्केट में टाटा मोटर्स के दो शेयर होने की वजह से यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। तो ये बात जो है वो 100% एक्यूरेट है। जब भी किसी कंपनी का डीमर्जर होता है तब उस कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन कम होती है और कंपनी के शेयर प्राइस में भी ये चीज एडजस्ट होते हुए दिखाई देती है। टाटा मोटर्स अपने बिजनेस का डीमर्जर करके अपने बिजनेस के अनलॉक्ड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है और जब भी कोई कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस का डीमर्जर करती है तो उसका मेन पर्पज यही होता है कि बिजनेस के वैल्यूएशन को अनलॉक करना। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो की ग्रोथ भी होगी, क्योंकि ओवरऑल टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है वो काफी तेजी से लगातार ग्रो करते जा रहा है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर टाटा मोटर्स के डीमर्जर के इम्प्लीमेंटेशन की बात जाए तो टाटा मोटर्स के डीमर्जर के प्लान को इंप्लीमेंट होने में 12 टू 15 मंथ का टाइम लग सकता है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी डीमर्जर का अनाउंसमेंट करती है तो ऐसे केसेस में बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं जो लेने होते हैं और इसके बाद डीमर्जर का प्रोसेस किया जाता है। बाय द वे, आप लोगों ने टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है और टाटा ग्रुप के कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।